ज्यादातर ग्रीक वर्डों के पीछे लगता है लॉजी, और जो जल्दी से समझ में ना आए उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज मैं आपके लिए एंटोमोलॉजी की एक बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस में हम लोग गंधीवक के बारे में पढ़ेंगे। गंधीवक के बारे में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद होस्ट प्लांट क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और फिर उसके बाद इसका जो अपियरेंस है, इसका आइडेंटिफिकेशन है, किस प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद इसका हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल होती है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे डैमेज, यानी ये किस प्रकार से फसलों को क्षति पहुंचाता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राइस गंधीबग को हम लोग स्टिंग बग या फिर राइस ईयर हेड बग के नाम से भी जानते हैं। राइस गंधीबग का जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो ऑर्डर है, यानी राइस गंधीबग का जो ऑर्डर है वो होता है हेमिप्टेरा, और इसका सब ऑर्डर होता है हेटरोप्टेरा। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कॉर्डी, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है यानी कि जीनस होता है वो होता है लेप्टोकोराइजा, और इसका जो स्पीसीज होती है वो दो स्पीसीज होती है, एक होती है वेरिकॉर्निस और दूसरी होती है एक्यूटा। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस और लेप्टोकोराइजा एक्यूटा। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ये कीट जो है कहां कहां पर पाया जाता है। ये कीट उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर कि धान की खेती की जाती है, जैसे कि हमारे भारत में धान की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, पंजाब, ये उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की कि ये किस पौधे पर जो है अपना जीवन निर्वाह करता है। इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो है राइस, लेकिन राइस के अलावा बार्ली, ज्वार, बाजरा और मेज के अलावा कई घासें जो है इसके होस्ट प्लांट हैं। अब बात करते हैं इसके अपीयरेंस की, यानी ये कीट जो है किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो राइस गंधीबग जो है ये हल्के भूरे रंग का और हरे रंग का होता है। ये जो है बेलनाकार लंबा होता है इसका शरीर। इसका जो नर होता है वो 12 से 14 मिलीमीटर लंबा होता है, और इसकी जो मादा होती है वो 16 से 19 मिलीमीटर लंबी होती है। राइस गंधीबग के एब्डोमेन सेगमेंट पर जो है एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे स्टिंग ग्लैंड कहते हैं। इसी स्टिंग ग्लैंड के द्वारा ये जो है बैड स्मेल प्रोवाइड करते हैं, गंध प्रोवाइड करते हैं, और इसी गंध के कारण इसे गंधीबग कहा जाता है। और जो इसके एब्डोमेन सेगमेंट पर ग्लैंड पाई जाती है स्टिंग ग्लैंड, इसीलिए इसको स्टिंग बग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, यानी इसका जो लाइफ साइकिल जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। राइस गंधीबग के लाइफ साइकिल में तीन स्टेज पाई जाती हैं। पहला है एक, दूसरा है निम्फ और तीसरा है एडल्ट। राइस गंधीबग की जो मादा होती है वो रात्रि के समय में पत्तियों की मिड रिब पर, लाइनों में यानी कतारों में अंडे देती हैं। ये जो है 250 से 300 अंडे देती हैं, और एक लाइन में 10 से 20 अंडे जो है वो गम की सहायता से फिक्स किए जाते हैं। अंडों का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 6 से 8 दिनों का होता है, और 6 से 8 दिनों में अंडे हैच करते हैं, उसमें से निम्फ निकलता है, और इसका निम्फ जो है वो हरे रंग का होता है। निम्फ जो है 21 से 27 दिन में एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है, और इसकी जो ज्यादातर ये कीट जो है वो सितंबर और अक्टूबर में पाया जाता है। ये तो हो गई इसकी लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं इसके डैमेज की, यानी कि ये किस प्रकार से हमारी फसलों को क्षति पहुंचाता है। तो राइस गंधीबग जो है इसका जो माउथ पार्ट होता है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है, यानी चूसने और चुभने वाला। तो ये जो है हमारे धान की ग्रोइंग स्टेज में, खास करके मिल्की स्टेज में, जो हमारे दाने होते हैं अनाज के, उनसे ये दानों के रसों को जो है चूस लेता है, उसका जो मिल्क होता है उसको चूस लेता है, जिससे दाना जो है सिकुड़कर सफेद हो जाता है। और जब दाना सिकुड़कर सफेद हो जाता है तो इस दाने को हम लोग कहते हैं चैफी ग्रैंड। जब दाना सिकुड़कर सफेद हो जाता है तो इस पर जो है फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होने लगता है, और
इसके कारण जो है 10-60% तक लॉस देखा गया है। राइस गंधीवक का जो ETL लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी ऐसा लेवल जहां पर कि हम लोग इसका मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, वो होता है 1-2 बग पर हिल, यानी जो एक हिल होती है धान का पूंजा होता है उस पर 1 या 2 कीट जब पाए जाए तो हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। इसका मैनेजमेंट हम लोग किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम लोग जो क्लीन कल्टीवेशन करते हैं, जो हमारे खेत में खरपतवार होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, और जिन जिन पत्तियों पर ये अंडा देते हैं उन पत्तियों को तोड़कर जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिकल कंट्रोल करते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत हम लोग लाइट ट्रैप का यूज करते हैं। हम लोग खेतों के किनारे लाइट लगा देते हैं और लाइट से अट्रैक्ट होकर ये वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं पर हम लोग इसे मार देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल में हम लोग प्रयोग करते हैं स्पाइडर का और ड्रैगन फ्लाई का, और एक होता है टाइगर बीटल। इन तीनों इंसेक्ट का जो है प्रयोग करते हैं इस बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। फिर उसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हम लोग प्रयोग करते हैं मेलाथियन डस्ट। मेलाथियन 2.5% डस्ट को हम लोग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं मेलाथियन 50 EC, लगभग 1-1.5 लीटर दवा जो है प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। और दूसरी जो हम लोग इंसेक्टिसाइड प्रयोग करते हैं वो है कार्बारिल। कार्बारिल 5% हम लोग प्रयोग करते हैं 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और कार्बारिल का जो कार्बारिल WP यानी वेटेबल पाउडर, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1-1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। आज की वीडियो में हमने राइस गंधीवक के सभी पहलुओं के बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ।